अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एडमायरल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो एजिंग हम बनाना सीखेंगे उसका नाम है फ्लावर एजिंग। तो आइए शुरू करते हैं। एजिंग बनाने के लिए बेस मैंने पहले ही बना ली है। अब दूसरा कलर मैं अटैच करके थ्री चेन्स बनानी है। 1, 2, 3। थ्री चेन्स बनाने के बाद अगले 3 स्टिचेस में हमने डबल क्रोशिया करना है। वन टू थ्री। 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद 5th स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, लेकिन एक ही स्पेस में, यहीं पे ही जो जिसमें 5th डबल क्रोशे बनाया है 6th भी उसी स्पेस में बनाएंगे जिसमें हमने 5th बनाया है। अब ये जो रिंग है ये हमारा इस्तेमाल होगा फ्लावर बनाने के लिए। यहाँ पे फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 स्टिचेस करने हैं, उसके बाद एक डबल क्रोशे, उसके बाद फिर 2 स्टिचेस चेन स्टिचेस, और फिर इन 2 चेन स्टिचेस को यहाँ स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। ये हमारी फर्स्ट पेटल बन गई। इसी तरह दूसरी पेटल भी बनानी है। सबसे पहले 2 चेन स्टिच, 1, 2, फिर डबल क्रोशे स्टिच, उसके बाद फिर 2 चेन स्टिच, और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच। यहाँ से हमने स्लिप स्टिच के लिए यहाँ से लेना है और बग़ैर किसी लूप बनाए सिंपल इसी एक में से निकाल लेना है। ये हमारे पास 2 पेटल्स बन गई हैं। तीसरी पेटल बनाने के लिए हमने इसे रोटेट करना है। अब हमारा वर्किंग एरिया ये वाला डबल क्रोशे स्टिच होगा, बिल्कुल जैसे पहली 2 पेटल्स बनाई हैं, 2 चेन स्टिच, डबल क्रोशे हमने इस वाले स्टिच से लेना। फिर 2 चेन स्टिच, और यहाँ पे स्लिप स्टिच। ये हमारी 3rd पेटल बन गई। इसी तरह हमने 4th पेटल बनानी है। वापस हमने काम को रोटेट कर लेना है। 1, 2, 3। ये एक फ्लावर हमारा बन गया। अगला फ्लावर बनाने के लिए जिस तरह पहले हमने 4 डबल क्रोशे किए हैं, इसी तरह अगले स्टिचेस में भी डबल क्रोशे करना है। अब ये देखें, पीछे से यहां से लिया, अब इसके नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें हमने डालना है। 1, 2,
3, 4. नेक्स्ट फ्लावर भी हम बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे। 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिफ्थ वाली स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे एक साथ एक ही स्पेस में। ये एज अ रिंग काम करेगा हमारा फ्लावर बनाने के लिए। फोर स्टेप्स हैं टोटल, 2 चेन स्टिच, डबल क्रोशे, अगेन 2 चेन स्टिच, उसके बाद स्लिप स्टिच। इससे हमारी एक पेटल बन गई है। आप अगर फ्लावर्स में स्पेस ज़्यादा देना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशेस के बजाय आप जितने स्पेस देना चाहते हैं उतने डबल क्रोशे बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है या कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।